हाय फ्रेंड एन आई टी एन अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के जो कि 2016 का पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको आपको आसान शब्दों में सॉल्व कराएं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं भी एक पॉलिटेक्निक का टीचर हूँ जो कि लगभग 5 सालों का एक्सपीरियंस है कॉपी चेक करने का और लोगों को पढ़ाने का। तो मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, और मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में इस पेपर को सॉल्व कराए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2016 का पेपर है, जनरली आप देख सकते हैं ये हमारा कब का है, 2016 का पेपर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हिंदी वाले ऑप्शन को हम लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित होती है या नहीं, बताइए। तो उन्होंने देखो, इस क्वेश्चन को हम समझने के प्रयास करेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्थिति कैसी होती है, निश्चित होती है या अनिश्चित होती है। तो इसको इस थ्योरी पर दो लोगों ने दिया था अपना सिद्धांत। एक थे बोर का सिद्धांत, दूसरा है आप बाहो का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो बोर जी के अनुसार स्थिति इलेक्ट्रॉनों में निश्चित होती है। किसके अनुसार? बोर के अनुसार। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की स्थिति निश्चित होती है, जबकि आप बाहो के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार देखेंगे, अनिश्चितता के अनुसार देखेंगे तो हम उसमें पाते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति निश्चित नहीं होती है। तो इस आधार पे यदि आपका कुछ नहीं दिया हो, केवल क्वेश्चन दिया हो, किसी के सिद्धांत के अनुसार न पूछा गया हो, तो आपको जनरली बस कर देना है कि उसकी स्थिति जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि PAN यानी फोरलोन का मोनोमर क्या है। तो उससे पहले हम मोनोमर के बारे में सीखने से पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्रोनाइट्राइल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? पी से होता है पॉली, पी इज इक्वल टू पॉली होता है, ए इज इक्वल टू होता है, ए इज इक्वल टू एक्रो, और एन इज इक्वल टू होता है नाइट्राइल। तो जनरली कभी कभी क्या है, इसको फुल फॉर्म को भी पूछ लेता है कि पैन का फुल फॉर्म एक नंबर पे पूछ लेता है क्या होता है। पैन को और लोन को बनाने के लिए कौन कौन से मर उसमें यूज किए जाते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो उसका मर जो होता है तो हम लिखवाते हैं, कराते हैं, इसका मोनोमर जो होता है एक्रोनाइट्राइल अथवा विनाइल नाइट्राइल। एक्रोनाइट्राइल अथवा विनाइल नाइट्राइल, क्या कहते हैं? विनाइल नाइट्राइल। ठीक है, तो हमारा पैन का फुल फॉर्म हो गया पॉली एक्रो नाइट्राइल। उसका इसके जो मोनोमर है तो मोनोमर का होगा विनाइल एक्रो विनाइल नाइट्राइल। में आया नहीं समझ में आया तो फिर से बताते, पैन का फुल फॉर्म हो गया आपका पॉली एक्रो नाइट्राइल, इसका मोनोमर होता है आपका विनाइल नाइट्राइल। ठीक, तो हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 24 है। कितना है? 24। इसके परमाणु के KLM तथा N कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पहले ये जो परमाणु है, जिसकी परमाणु क्रमांक जो जो तत्व है, एलिमेंट है, उसका ये जो 24 है इसको पहले पता करते हैं कि ये किसका सिंबल है। 24 किसका परमाणु क्रमांक, कौन सा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है? तो ये हमारा होता है क्रोमियम। कौन होता है? क्रोमियम। ठीक है, जिसका सिंबल होता है आपका Cr। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि K सेल में, L सेल में तथा N तथा N सेल कोश में यानी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। K सेल में कितना होगा, L सेल में कितना होगा, N सेल में कितना होगा, N सेल में कितना होगा। तो हम इसको हम पाते हैं कि हमारा जो K सेल है इसको इधर बना लेते हैं के L, M और N। तो K सेल में हमारा होता है जनरली 2 इलेक्ट्रॉन, L L L सेल में होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन, और M सेल में आपका होता है 13,
और एन सेल में आपका होता है 1। ठीक है, तो यदि पूछ रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 24 है, वो तत्व कौन सा है, पहले हमारा क्रोमियम है। इसके परमाणु के एल एम तथा एन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो के सेल में हमारे 2 होंगे, एल सेल में हमारा 8 होगा और एन सेल में हमारे 13 होंगे और एन में हमारा लास्ट में 1 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ये sp संकरण में अणु की आकृति तथा बंध कोण बताइए। यानी यदि हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसकी बात करें तो sp2 संकरण में अणु की आकृति क्या होती है, ट्रायंगुलर होती है और बंध कोण का मान होता है 120 अंश होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमोनियम क्लोराइड में किस प्रकार के बंध हैं, बिंदु की संरचना भी बनाइए। यानी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो किस प्रकार के बंध है यानी बॉन्ड है और बिंदु संरचना भी बनाइए। तो चलिए बताते हैं, पहले इस बंध के बारे में बात करते हैं। जनरली बंध 2-3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट आपका है आयनिक बॉन्ड, सेकंड आपका है कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड आपका है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। जो हमारा ये अमोनियम क्लोराइड होता है इसमें जनरली क्या होता है, आपका सहसंयोजक बॉन्ड होता है यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड। अब बिंदु संरचना की बात की जाए तो हम बनाते हैं बिंदु संरचना, चलते देख पहले इसका इसके बिंदु सूत्र देख लेते हैं। इसमें है एन एच और सी एल। ठीक है, तो N7H1 और आपका क्लोरीन का 17 है, तो इसमें हमारा आएगा 2, 5, ये हमारा आएगा 1 और ये हमारा 17 का आएगा आपका जनरली 2, 8, 7। ये बिंदु संरचना हो, अगर जो इसको सूत्र में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, चलिए सीखते हैं कैसे होगा हमारा। तो ये होगा हमारा N बीच में रहेगा, N इसके सामने आपका H रहेगा, इस चारों तरफ से ऐसे घिरे होता है, H रहेगा और इधर H रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो H के बीच में ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी है, तो ये इन सबसे मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो इनको जब ये हमारा एक बॉन्ड रेडी करता है। ठीक है, इधर आपका है क्लोरीन Cl, Cl को अगर तो बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर लें तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। ठीक है, ये इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, तो ये क्लोरीन का हो गया, तो ये हमारी बिंदु संरचना हो गई। समझ में आया आपको, यानी कि अगर जो अमोनियम क्लोराइड की बंध के बाद बात किया जाए तो सहसंयोजक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अगर जो बिंदु संरचना की बात किया जाए तो एक एलेवन सेल में इतने रहेंगे, ठीक है, 2, 5 हाइड्रोजन का 1 रहेगा, क्लोरीन का 2, 8, 17, 7 रहेंगे और इसके बिंदु संरचना की बात किया जाए तो इस तरीके से उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम ये हमारा क्वेश्चन है क्लोरीन का आकार, क्लोरीन आयन का आकार क्लोरीन परमाणु से छोटा होता है या बड़ा होता है। तो जो क्लोरीन आयन का आकार है वो क्लोरीन परमाणु से बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कॉपर सल्फेट के बिलियन को लोहे के बर्तन में रखा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, पूरी तरफ से नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट के बिलियन को लोहे के बर्तन में नहीं रखा जा सकता।
क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके अपना लवण विलयन बना लेता है। इससे हमें क्या करता है कि जो हमारा, क्योंकि आयरन का जो क्रिया अधिक, जो हमारा आयरन होता है Fe होता है, वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा आपका, बनेगा कि यानी Fe+SO4 ये बन जाएगा Fe SO+CU। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा, संरचना एक रेडी हो जाएगी। तो इसने इसमें इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास पहले था Cu SO4, ये हमारा क्या मिला, इसने Cu को रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस किया, इस आयरन ने रिप्लेस कर दिया, और हमारा कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए हम उसको इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के बर्तन में नहीं रख सकते। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता है। सिंपल सी बात है, जो हमारा जो बर्फ का गलनांक बहुत जल्दी पिघलने लगता है जबकि वो कांच का गलनांक नहीं ऐसा होता है। इसका मेन रीजन जो है, इसका मेन रीजन बर्फ का गलनांक तीक्ष्ण होता है क्योंकि यह क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। यदि हम बर्फ की बात करें तो किस तरह का सॉलिड मटेरियल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जबकि हमारा कांच क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। तो इसलिए क्या होता है, बर्फ का गलनांक तीक्ष्ण होता है जबकि कांच का गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता है। दो ही रीजन है, बर्फ क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये कांच क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। तो ये अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो इन सबको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं, और उसके बारे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी एक रिएक्शंस है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका जो IUPAC नाम होगा, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें जो बॉन्ड होते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, हमारा होता है ये IUPAC का फुल फॉर्म हम कहते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यू से यूनियन यूनियन ऑफ प्योर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में उसका IUPAC पूछ लेता है उसका नाम क्या होता है, IUPAC की क्या नाम है उसका। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, इसको इसको जानना जरूरी होगा। आई से होगा आपका इंटरनेशनल, यू से होगा यूनियन, ऑफ पी से होगा प्योर, ए से होगा अप्लाइड, और सी से होगा केमिस्ट्री। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब इसका नाम यदि पूछ लेता है तो जनरली इसके बारे में यानी कि एक अलग से हमें वीडियो बनानी पड़ेगी, एक लॉन्ग टॉपिक है। जनरली हम सीख लेते हैं कि एक इसका ट्रिक जान लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कैसे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली हम ये हम बांड, पहले बांड देखते हैं। बांड जनरली दो तीन तरीके से होता है, सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड। ये हमारा क्या होता है, जो फर्स्ट बांड होता है हमारा, ये होता है N। ठीक है, ये क्या होता है, N। सेकेंड बांड जो है ये होता है N, और थर्ड बांड जो हमारा होता है वो होता है I। ठीक है, तो ये हमारे बांड होते हैं। तो जनरली हमारे बांड कौन से हैं, फर्स्ट बांड है, फर्स्ट बांड है तो फर्स्ट में आएगा तो N होगा, जहां पे जो भी हमारा मटेरियल आएगा उसमें N लगेगा। अब देखते हैं इनका हम फार्मूले की यदि बात करें तो एन का फार्मूला होता है CnH2H2H2n,
H2N plus 2, इसका फॉर्मूला होता है CN H2N, इसका फॉर्मूला होता है आपका CN H2N minus 2, ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है। यदि हम करेंगे, यदि एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम एन करेंगे, तो क्या रखेंगे, सी यहाँ एक रखेंगे और एस टू इंटू वन प्लस टू, तो सी इंस टू क्या हो गया, टू दो दूनी चार, तो सी एच फोर हो गया, क्या हो जाएगा, सी एच फोर हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा मेथेन। ठीक है, कौन में आएगा, जैसे आपने लोग मेथेन, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट याद किया होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से जो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा मेथ आता है, और मेथ में एन लग गया तो हो गया मेथेन। तो ये जनरली हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एक है तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन कार्बन हमारा तीन है, कार्बन हमारा कितना है, तीन है, तो तीसरे नंबर के कौन आएगा, तो पहला हमारा मेथ आता है, फिर एथ आता है, फिर मेथ एथ प्रॉप आता है, ठीक, मेथ एथ प्रॉप, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, प्रॉप और एन लग जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसको हमारा ये होता है, इसका आंसर जो होगा प्रोपेन वन थ्री डाइओइक एसिड, क्या हो जाएगा, डाइओइक एसिड, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ओइक कहां से आएगा, तो ओइक जो बॉन्ड होता है जहां पर सी एच ओ लगा हो, यानी सी ओ एच हो या सी एच ओ लगा हो, तो वो वहां पर क्या होता है, हमारा एक बॉन्ड और होता है जहां पर सी एच वो हो, तो क्या हो जाता है आपका ओइक, ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ इसका, ये प्रोपेन थ्री डाइओइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक बाह्य सूचक नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बाह्य सूचक का, सूचक का पहले हमें पता होना चाहिए सूचक क्या होता है, तो सूचक हुए वो मटेरियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो किसी में डालने पर वो किसी चीज की सूचना देते हैं, कलर को चेंज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सूचक होता है। सूचक जनरली दो प्रकार, तीन प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे इंडिकेटर, इंडिकेटर जनरली तीन प्रकार के होते हैं, पहला है इंटरनल, दूसरा है आपका एक्सटर्नल, और तीसरा आपका है सेल्फ, ठीक है। अब जो ये बाह्य सूचक है ये क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है, कौन सा है, एक्सटर्नल है, तो इसके बारे में हम सीखेंगे ध्यान से इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने सीख लिया क्या है, ये तीन तरीके के होते हैं, पहला है जो सूचक होते हैं तीन तरीके के होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और सेल्फ, ठीक है। तो जो हमारा एक्सटर्नल सूचक होता है वो क्या होता है कि ये किसी भी मटेरियल में रिडॉक्स रिएक्शन में ये क्रिया करते हैं, ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में इनका यूज कर लेता है, एज ए क्या होता है, रिएक्शिंग एजेंट के, रिएक्टिंग एजेंट के यूज रूप में यूज होता है। ये क्या करते हैं कि ये रिएक्शंस को जो रिएक्शन होने पर उसके कौन सा कलर है उसको इंडिकेट करके वो बता देते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है।